हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट व्हिच इज द सीकम ठीक है 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 अच्छा जी अब अगर हम देखें पे पे होती होती यानी ये जो area है, यहां पर ये एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का मौजूद है लार्ज इंटेस्टाइन का दिस इज वॉट वी कॉल द सीकम और ये जो सीकम है ये ऊपर फिर कंटिन्यू करती है एज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज से हाइडोरा सो सीम इज द्लाइंड लार्ज इंटेस्टाइन कमेंसमेंट का मतलब शुरू होना यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ठीक है अच्छा ग्रॉसली आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए इट इज लोकेटेड इन द राइट आई फोसा अब द लेटरल हाफ ऑफ द इंगिगामेंट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सीकम से रिलेटेड जो डिजीजेस होंगी फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लोमेशन ट्यूबरकोसिस कार्सिनोमा तो पेशेंट को पेन कहाील होगा एट द राइट एलियोसा बिकॉज दिस इज द लोकेशन ऑफ सीकम अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इट कम्युनिकेट सुपीरियरली विद विदेंडिंग कॉलॉन मीडियली एट द लेवल ऑफ द सीको कोलिक जंक्शन विद द आईलियम एंड पोस्टेरो विद द अपेंडिक्स नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर सो इस डायग्राम पे इस बात को समझते हैं सो दिस पार्ट दिस ब्लाइंड जो पॉकेट है दिस इज द सीकम ऊपर ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है विद दी असेंडिंग कॉलॉन ठीक है अच्छा मीडियल साइड कम्युनिकेट करता है मीडियल के साथ और ये कम्युनिकेट करता है लेकिन एक चूंकि यहां पे कम्युनिकेशन पोस्टीरो मटीरियल अपेंडिक्स में भी एंटर हो सकता है और चूंकि मीडियल साइड पे आइलियम के साथ इसका कम्युनिकेशन है तो मटीरियल सीकम से आइलियम में भी एंटर हो सकता है वन मोर टाइम दिस इज इंपोर्ट टू रिमेंबर कि जो सीकम है उससे उसके कनेक्शंस कहां कहां हैं। ऊपर इसका कनेक्शन है विद द असेंडिंग कॉलॉन मीडियल साइड पे विद द आइलियम एंड पोस्टीरोमीडियल विद द अपेंडिक्स तो तीन ऐसे कनेक्शन आपने याद रखने हैं असेंडिंग कॉलोन के साथ मीडियल साइड पर आईलियम के साथ और पोस्टीरोमीडियली विद दी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओके तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नाउ इंट्रोडक्टरीशन इट इज अबाउट सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ब्रॉड यहाँ एक मजे की बात अब लिखी हुई है कि इट इज वन ऑफ दोज दोन इन द दॉडी विच द लेंथ The other examples are prostrate, pons in the brain, and pituitary. okay, uh, Not very high yield, but, anyways. the Relationships are important. Sikam ke anterior relations mein hai, coils of the intestine, small intestine ke coils, and anterior abdominal wall. And the posterior relations usme us muscles hai, nerves hai, blood vessels hai, and also appendix in the retrocecal recess. Okay. अब ये अगेन इस तरह के जो रिलेशन हैं ये आसानी से तब समझ में आते हैं जब आप रेलिवेंट डायग्राम देख लें सो so, यहां पे दिस इज द डायग्राम ये ब्लू डॉटेड लाइन से जो आपको मार्जिन uh, नजर आ रहा है दैट इज द आउटलाइन ऑफ द सीकम सो सपोज सीकम यहां से हटा दिया है और सीकम के पीछे अब जो जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ सीकम ठीक है तो देखिए कौन सा है यहाँ पे मसल भी मौजूद है स्वास मेजर मसल है वेसल्स मौजूद हैं राइट वेसल गुनाडिलिटिलीमोल नर्व ऑफ थाई देयर इज फीमोरल नर्व एंड ऑल दिस सो ये तमाम स्ट्रक्चर्स आर ऑल रिट्रो सीकल स्ट्रक्चर यानी सीकम के पोस्टीरियर रिलेशन में ठीक है

पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ब्लड सप्लाई याद रखना इंपॉर्टेंट है एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं ओके okay? नया डेवलपमेंट चले ही एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है देखें डेवलपमेंट मैं आपको अलग एम्ब्रियालॉजी के लेक्चर्स दे रहा हूँ बट यहाँ पे क्विकली इसको देख लेते हैं कि द सीकम एंड अपेंडिक्स डेवलप फ्राम द सीकल बर्ड सीकम और अपेंडिक्स जो है दे बोथ डेवलप फ्राम अ कामन सीकल बर्ड अराइजिंग फ्राम द पोस्ट अर्टीरियल सेगमेंट इन द मिड लूप ये बाद में पढ़ेंगे जब एम्ब्रियालॉजी डिस्कस करेंगे इस वक्त जो बातें याद रखनी है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अपेंडिक्स और सीकम दे डेवलप फ्राम द सेम सीकल बर्ड ठीक है द प्रोक्मल पार्ट ऑफ द बर्ड डायलेट टू फॉर्म द सीकम द डिस्टल पार्ट रिमेन्सो एंड द द फॉर्म अपेंडिक्स इनिशियली फ्रॉम एपेक्स ऑफ सीकम यानी अगर इस डायग्राम को देखें सो इस तरह से होता है के cecum है इनिशियली सीकम और उसमें से यूं अपेंडिक्स निकल रहा होता है बट लेटर ऑन होता यह है कि देयर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द सीकम एंड द अटैचमेंट ऑफ द अपेंडिक्स शिफ्ट मीडियली ठीक है तो ये रोटेशन का प्रोसेस हो रहा है मीडियल रोटेशन ऑफ अपेंडिक्स ये जो रोटेशन का फिनोमिना है अगर ये अप्रोप्रिएटली नहीं होता तो देयर कैन बी डिफरेंट वराइडीज ऑफ सीकम दैट वी कैन सी फॉर एग्जाम्पल कॉनिकल टाइप सीकम इंटरमीडिएट टाइप सीकम एंड एम्पुलरी टाइप सीकम इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है एम्पुलरी टाइप सीकम, जहाँ पे राइट सीकल पाउच इज मच लार्जर देन द लेफ्ट एंड अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द मीडियल साइड सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज शोइंग द फर्स्ट कैटेगरी विच इज द क्रनिकल सीकम जिसमें सीकम एक कोन की तरह से है और ये आइलियम है और ये कॉर्नर पे बिल्कुल एपेक्स पर अपेंडिक्स है जो की शिफ्ट नहीं हुई मीडियल साइड पे देन देयर इज एन वाइडी विच इज इंटरमीडिएट एन द लास्ट वन इज द एम्प्यूलरी जिसमें सीकम के दो अलग अलग हाफ्स हैं और अपेंडिक्स ऑल दो मीडियल साइड पे शिफ्ट हुआ है बट नॉट एट दोस्ट मीडियल साइड जो कि नॉर्मल उसकी लोकेशन है एनी हाउ uh, ये चूंकि यहाँ पे पैराग्राफ आ गया था तो मैंने डिस्कस कर लिया अदरवाइज डिटेल एम्ब्रियोलॉजी हम करेंगे लैंगमेन से जब एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर सीरीज डील कर रहे होंगे नो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टॉक अबाउट बेसिकली सीकम और वो है इलियो वाल्व वाल्फ नया इस वाल्फ का पर्पज ये है अगर मैं ये डायग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे सो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली आइलियम ये आइलियम ओपन हो रहा है यहाँ सीकम में अच्छा आइलियम ऐसे ओपन होता है कि ये जो एरिया है आइलियम का एक पार्ट ओपन हो रहा है सीकम के अंदर और आइलियम का एक पार्ट ओपन हो रहा है असेंडिंग कॉलोन पे सो दिस इज बेसिकली द जंक्शन ये जो एरिया है ये जो प्लेन है जो ब्लू लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल लगाई है दिस इज कॉल्ड सीको लिक जंक्शन so, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं द आइलियम इज नॉट ओनली ओपनिंग इन द सी कम इट इज ऑल्सो ओपनिंग इन पार्ट ऑफ अंडिंग सो बेसिकली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं है, और ये है, तो इस जंक्शन पर आई खुलता है ठीक है और यहां पर एक वेल्व होता है इस वेल्व का, का काम यह है कि कॉन्टेंट जब एक दफा सीकम में आ जाए तो वापिस आई में न जा सके दैट इज द जॉब जैसे हार्ट में होता है हार्ट में वी हैव दैल्व ताकि एट्रिया से ब्लड एंटर हो जाए वेंट्रिकल में लेकिन वापिस वेंट्रिकल से एट्रियम में न जा सके इसी तरह के यूनिडायरेक्शनल वेल्व हैं जो आईलियो सीकल जंक्शन पर है और इनका काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द सीकल कॉन्टेंट इन टू द आईलियम ठीक है अब ये जो वेल्व है इसकी एनेडमी डिस्कस होती है यह आपको पता होनी चाहिए कि में आर टू लिप्स ऑफ द द वन इज यू सी अपर लिप एंड वन इज द लोअर लिप और ये लिप्स पीछे आकर के भी सिंगल uh, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड राइट फ्रेन्यूलम और ऊपर की तरफ जाकर के भी एंट्रियर साइड पे एक इस तरह से ये दोनों लिप्स फ्यूज हो जाते हैं विच इज called the left ear yeah, anterior frenulum. so there are two lips of the valve and two frenulum of the valve. so basically valve the lower end of the ileum opens at the posterior medial aspect of the cecocolic junction. word the ileum serif cecocolic junction for the ileocecal opening is guarded by the ileocecal valve. valve valve there is an upper lip. there is a lower lip. and there are two frenula. and these frenula, एंटीरियर एंड कंट्रोल एंड इट इज ऑल्सो क्लोज इफ देर इज डिस्टेंशन ऑफ सीकमेंड करती जैसे आता है आइलियम से डिस्टेंड करेगी और ये वैल्व क्लोज हो जाएगा बैक फ्लो ऑफ द कॉन्टेंट नहीं हो सकेगा That फंक्शन है इस एलियो सीकल वीवेंट्स रिफ्लक्स ऑफ फ्रॉम सीकम टू दईलियम तो ये रिफ्लक्स मैकेजम को रोकता है इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ द आईलियल कॉन्टेंट्स इन टू दीकम एंड प्रिवेंट्स दम फ्रॉम पासिंग टू क्विकली विच बेसिकली मीन्स की ये बैक फ्लो को रोक रहा है ओके

अपवर्ड ये कहाँ जाता है कम्युनिकेट करने असेंडिंग कॉलॉन मीडियली ये कहाँ कम्युनिकेट करता है टर्मिनल आइलियम